प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार विदेश दौरे पर कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया, कांग्रेस की सरकार को घेरा। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि कोयला घोटाले पर उस वक्त जब नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हमने सिर्फ 20 खदानों से 2 अरब रुपए कमा लिए हैं। आपने अभी भी देखा होगा कोयले का कारोबार, समझ गए, सबको पता है क्या क्या हुआ, सब मालूम है। अभी क्या हुआ वो मालूम नहीं होगा। देखिए, अच्छी बात पहुंचाने के लिए मुझे रूबरू जाना पड़ता, दो सौ चार कोयले की खदान वैसे ही दे दी थी ऐसे। अच्छा, आप आए हैं, ठीक है, मेरे पहले। अच्छा अच्छा, आप आए हैं, ठीक है, ये मेरा हेड कर चुके। अच्छा जी, कागज जी, हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। आप शायद पेन भी किसी को देनी तो 50 बार सोचोगे, नहीं सोचोगे, ऐसे मैं दे दूंगा क्या? 204 कोयले की खदाने ऐसे दे दी गई थी, दे दी गई। जस्ट, अरे भाई दे दे, कोई पूछने वाला नहीं। तूफान खड़ा हो गया, कोर्ट के मामले बढ़ गए, प्रधानमंत्री तक के नाम की चर्चा होने लगी, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता और न ही मैं यहां किसी की आलोचना करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। लेकिन हमारा नसीब ऐसा कि हमारे आने के बाद चल गया।